भगवती अम्बा जी कह रही हैं कि हजारों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है और करोड़ों विरक्तों में कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहे सम्यक ज्ञान सकृत को कोई बिरला एक होता करोड़ों वैराग्यों में जिससे ब्रह्म ज्ञान होता है और उन करोड़ों ज्ञानियों में कोई ब्रह्म बोध संपन्न जीवन मुक्त महापुरुष कोई बिरला ही होता है और तीन सहस्त्र महा सब सुख खानी दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। अब देखो बड़ी गूढ़ बात कह रहे हैं, उन जीवन मुक्तों में भी कोई बिरला एक ऐसा होता है जो ब्रह्मलीन होता है जीवन मुक्त, जैसे आप स्वप्न से जग गए, अब जगने के बाद जो स्वप्न आपने देखा था दुखद सुखद उसका कुछ समय तक प्रभाव रहता है, नहीं मैं तो अपने कमरे में हूं पानी में तो डूब ही नहीं रहा था, अच्छा वो स्वप्न था, पर वो दुखद या सुखद जितनी देर तक आप जितने विवेकवान जितनी जल्दी आप उससे उबर पाए नहीं तो काफी देर उसी स्वप्न का प्रभाव रहता है। यहां जो बात कही जा रही है वो जगत से जग चुका है स्वप्नवत अनुभव हो गया है, पर अभी जैसे जगने पर स्वप्न झूठा है पूरा पता है पर उसका कुछ प्रभाव होता है, कभी कभी ऐसे सुखद स्वप्न आते हैं कि जगने पर भी रोना आता है, कभी कभी ऐसे स्वप्न आए कि भयावह हो गया है, भय हो गया, प्रकाश जलाया गया है, मैं कहां हूं, अच्छा अच्छा सब बंद है, ऐसे कई बार ऐसे स्वप्न आते हैं, जग गया है पर फिर भी उसका प्रभाव है। ये यहां प्रभावहीन ब्रह्मलीन जो जाना है उसी में तन्मय हो गया, संसार का भान ही नहीं, ऐसे हजारों जीवन मुक्तों में कोई एक ऐसा ब्रह्मलीन होता है। तो यहां भगवती अम्बा कह रही हैं ये धर्मात्माओं में वैराग्यवानों में ज्ञानियों में जीवन मुक्तों में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मलीन जीते जी ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुर राया राम भगति रत गत मद माया सो हरि भगति काग किमि पाई विश्वनाथ मोहि काहू बुझाई। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर नाथ कहो के कारण पायौ काक शरीर। हे देवाधिदेव महादेव उस ब्रह्मलीन से भी श्रेष्ठ है आगे प्रेम भक्ति, आहा लीला में प्रवेश निज पार्षद स्वरूप होकर अनंत काल तक प्रभु की लीला में सम्मिलित होना। बोले मद और माया दोनों से रहित प्रेम मई भक्ति ये सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ धाम प्रभु का जिसके प्रताप से अद्भुत प्रेम लक्षणा महाप्रेममयी महामाधुर्यमयी भक्ति प्राप्त होती है। हे विश्वनाथ ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति काक को कैसे प्राप्त हो गई, कौवे को कैसे प्राप्त हो गई, ये मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। नाथ प्रभु के परायण ज्ञान में युक्त गुणधाम धीर बुद्धि श्री भुशुंडी जी महाराज कौवे के शरीर को कैसे स्वीकार किए हुए हैं, कौवे के शरीर में कैसे हैं, ये मुझे प्रश्न है। कृपालु आपने अभी कहा कि पावन चरित्र ये गरुण जी को सुनाया, तो गरुण जी वहां क्यों आए, मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है कि इतने बड़े महापुरुष गरुण जी कौवे के पास कथा सुनने के लिए आए। गरुण तो महाज्ञानी है, सद्गुणों की राशि है, वो हरि के वाहन है, निज संगी है, उन्होंने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का समागम छोड़कर कौवे के पास आकर क्यों सत्संग सुना। कहऊ कवन विधि भासंवादा दो हरि भगत काग उर गादा।
मेरी बड़ी इच्छा है इन दोनों महापुरुषों का समागम हुआ जब काकभुशुंड जी का और गरुण जी का, बड़ी रसमयी बात हुई होगी, वो सुनना चाहती हूं। भगवती अंबा की उमा जी की बात सुन करके देवाधिदेव महादेव बड़े आनंद में भर करके बोले, हे पार्वती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है, प्रभु के चरणों में तुम्हारा अपार प्रेम है, क्योंकि जब कोई भगवान की लीला के विषय में प्रश्न करता है तो भगवत भक्तों को बहुत आनंद की अनुभूति होती है और उसके सुनने से सबके भ्रमों का नाश हो जाता है, प्रभु के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और प्रभु के चरित्र ऐसे हैं कि बिना किसी अन्य साधन के, परिश्रम के बिना ये परम पद प्रदान कर देते सुनने मात्र से। भगवान की चर्चा ऐसी है कि कह रहे उपजय राम चरण विश्वासा और भवनिधि तर नर बिना ही प्रयासा, बिना प्रयास के भव समुद्र से पार हो जाता है जो रोज सत्संग सुनता है, रोज भगवत चर्चा सुनता है। पक्षीराज गरुण जी ने भी जाकर काकभूषण से यही प्रश्न किया था, तो तुम ध्यान देकर के सुनो उमा, मैंने जिस प्रकार जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी सुमुखी सुलोचनी, वो प्रसंग तुम सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर में हुआ था, तुम्हारा नाम सती था, दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तुमने अपने शरीर को त्याग दिया, मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। सारा प्रसंग ध्यान करो, तुम्हें याद आ जाएगा पार्वती जी। फिर मेरे मन में बड़ा सोच हुआ था, तो हे प्रिय मैं तुम्हारे वियोग से बहुत दुखी हुआ, मुझे कैलाश भी अच्छा नहीं लगने लगा, शरणागत वत्सल प्रभु का स्वभाव है, थोड़ा प्रेम कर लो तो प्रेम समुद्र है, अगर आप एक मिनट उनके बिना नहीं रह सकते तो एक सेकंड वो आपके बिना नहीं रह सकते, आप एक आंसू गिराओगे वो 10 आंसू गिराएंगे, आप एक कदम चलोगे वो 10 कदम। अभी पता उमा राम स्वभाव जे जाना ताई भजन तज भावना। अच्छा उसमें अपने लोग देहाभिमानी तो अपने को क्या लगने लगता है कि मैं कुछ हूं ना, देखो मेरे से तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे को जो मिल रहा है वो हेतु की कृपा से प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, तुम कुछ नहीं हो। अहंकारी वृत्ति होने के कारण सर कुछ तो है ना जो हमारे पीछे पड़े हैं, उस मैया से पूछो कि तू मल लगाए दौड़ रहा है तेरे पीछे क्यों वो पड़ी हुई है, क्योंकि वो माँ है, वो तुम्हें मल रहित करके श्रृंगार युक्त अपने गोद में बैठालना चाहती है, वो बालक समझता है कुछ तो है। मेरे मन में इतना कि मैं कैलाश छोड़कर नदी तालाब सरोवर वन ऐसे विहरण करने लगा जब तुम्हारा सती रूप में शरीर छूटा था, सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में भ्रमण करते हुए गया तो वहां एक सुंदर नील पर्वत है, वहां स्वर्णमय शिखर है, 4 सुंदर शिखर, बहुत अच्छा लगा मुझे वहां। एक एक शिखर पर एक एक विशाल वृक्ष है, एक बरगद का, एक पीपल का, एक पाकर का, एक आम का। उस पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर भी है, मणियों की सीढ़ियां देख करके मन प्रसन्न हो गया, शीतल निर्मल मीठा जल, रंग बिरंगे सुंदर कमल खिले हुए और हंसगण मधुर स्वर में बोल रहे, भौरे गुंजार कर रहे। उस सुंदर पर्वत पर मैंने देखा काकभुशुंड जी रहते हैं, नील पर्वत पर 4 शिखर 4 वृक्ष, बट पीपर पाकरी रसाला, बरगद का, पीपर का, पाकर का, आम का, रसाला आम का। काकभुशुंड जी वहां बसते हैं, काकभुशुंड जी का कल्प में भी नाश नहीं होता, जब सृष्टि का लय हो जाता है तब भी वो नहीं ले होते, माया का कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता, काम और अज्ञान और अविद्या वहां प्रवेश नहीं कर सकती नीलगिरी पर। नाम कीर्तन का बड़ा प्रभाव है गुण कीर्तन का, कई बार अनुभव किया है, जैसे उधर कोई वार्ता में किसी विषय को लेकर थोड़ा, और जो ही यहां आए तो आते ही एकदम भाव, क्योंकि ऐसे परमाणु बन गए, अखंड नाम कीर्तन वाणी गायन हर समय चलता रहता है, साधक जन हर समय नाम जप साध, तो परमा वहां नीलगिरी का प्रभाव
कि वहां काम अज्ञान अविद्या मोह अस्मिता इनका प्रवेश ही नहीं है। जो सारे जगत को अपने अधीन किए हुए माया है वो उस पर्वत में भी प्रवेश नहीं कर सकती। वहां मैंने देखा कि कागभुषुंड जी तन्मयता पूर्वक भगवान का भजन करते हैं। वो जब पीपल के नीचे जाते हैं तो ध्यान परायण रहते हैं, पीपर तरु तर ध्यान सुधरई जाप यज्ञ पाकरी तर करई आंब छाह कर मानस पूजा तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। कितना सुंदर सौभाग्य दिया है, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। अपने लोगों को कौन सा मार्ग मिल गया, तजी हरि हरि भजन काज, कोई बोलो क्या जिम्मेवारी, रात दिन के जो कार्य भी है सब महाभागवतिक, तजी हरि भजन काज नहीं। वो पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान का ध्यान करते हैं, पाकर के नीचे जप भगवान नाम का, और आम की छाया में बैठकर प्रभु की मानसिक पूजा, श्री हरि के भजन को छोड़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा आवही सुनही अनेक विहंगा रामचरित विचित्र विधि नाना प्रेम सहित कर सादर गाना। और बरगद के नीचे वो भगवान की कथा करते हैं, वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि पक्षी के रूप में आकर कथा सुनते हैं। तो जहां भगवान की चर्चा होती महाभागवत जन वहां आते हैं, गुप्त रूप से विराजमान होते हैं या प्रच्छन्न रूप धारण करके विराजमान होते हैं। प्रेम सहित आदर सहित भगवान के चरित्र का वर्णन काकभुषुंड जी करते हैं। वो बड़े बड़े महात्मा जन पक्षी रूप में आकर, कोई महात्मा रूप में आकर ऐसे सुनते हैं। शाम निर्मल बुद्धि वाले वहीं बसते हैं नीलगिरी में, कथा सुनने के लोग, रोज कथा सुनने को मिलेगी। और मैंने जब ये दृश्य देखा तो मेरे हृदय में बहुत आनंद हुआ। अब अगर हम शंकर रूप में महादेव के रूप में जाते तो काकभुषुंड जी खड़े हो जाएंगे, आदर करेंगे, पास बैठा लेंगे, फिर हमारे सामने बोलेंगे नहीं, क्योंकि परम वैष्णवाचार्य भगवान ज्ञान समुद्र शिव विराजमान है। तब कछु काल मराल तनु धरिता कीन निवास सादर सुन रघुपति गुण पुनियायों कैलाश। आपके विरह में कैलाश में रहा नहीं गया, तो नीलगिरी में हमने फिर हंस रूप धारण किया और नीचे बैठकर कथा सुन। देखो देवाधिदेव ज्ञान समुद्र भगवान को अब कौन सी जानकारी की जरूरत है, पर सत्संग का प्रभाव ऐसा है। मैं काफी समय तक वहीं निवास किया हंस रूप से और भगवान के चरित्र को सुना, फिर कैलाश वापस आया और तुम्हारा जन्म हिमालय पार्वती के रूप में हुआ। हे गिरिजा, जब मैंने काकभुषुंड जी से जो कथा सुनी थी, वही कथा जो तुम्हें सुनाई एक गरुण जी ने भी वहां करके सुनी थी। वहां गरुण जी के आने का कारण जो तुम पूछ रहे हो, तो जब रणलीला युद्ध लीला में भगवान को मेघनाथ ने नागपाश से बांध दिया, भला जिनका नाम ही भवपाश से मुक्त कर सकता है तो कौन नाग है जो उनको अपने पाश में बांध सके। अनंत महिमायुक्त भगवान सहस्त्र फणधारी से शैया पर शयन करते हैं, उनको कोई, पर जब रणलीला, इसीलिए लीला शब्द युद्ध लीला की, तो मेघनाद ने भगवान को नागपाश में बांध लिया। नारद मुनि गरुण जी के पास गए, गरुण जी वहां आए और प्रभु को ऐसी विपत्ति में देखा, संशय हो जाता है। ऐसी गरुण जी को भी लगा कि भगवान नागपाश में कैसे भगवान हो सकते हैं, नागपाश इन्हें ऐसे दुख में, मैं उनको दुख से मुक्त करूं।
बंधन तो काटा पर हृदय में संशय उत्पन्न हो गया है भगवान, पक्का सबने प्रार्थना की थी अवतरित हुए, पर भगवान है तो बंधन कैसा, बंधन है तो फिर वो भगवान कौन से जो अवतरित हुए, यही तो है। अगर यही है तो फिर बंधन कैसा, मैं बंधन काटूं ये बंधन मुक्त हो, बुद्धि संशय में हो गए, ये भगवान बचावे नहीं, बुद्धि संशय में हो जाती है। बड़ा माया का विचित्र खेल है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, इनको संशय हो गया, हरिदास है नित्य श्रीअंग सेवी भगवान के, बहुत विचार कर रहे हैं गरुण जी, करत विचार उरग आराती, व्याकुल होकर नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये भगवान है, नहीं भगवान है तो फिर कैसे। बड़ा विचित्र माया का खेल, अंबाब सबकी बुद्धि के अधिष्ठात्री, भगवान है तो एक अगमृग है मधुकर श्रेणी क्यों, और अगर भगवान नहीं तो भगवान शंकर सर्वज्ञ होकर प्रणाम क्यों कर रहे हैं, असंशय मन भयो, बड़ा विचित्र। इसलिए प्रार्थना करता रहे, हे नाथ ये संशय ना आने पावे, नहीं इसका परिणाम बड़ा भयानक हो जाता है संशय का। बार बार सोच रहे हैं कि व्यापक ब्रह्म बीरज बागीशा माया मोह पार परमीशा, सो अवतार सुन्यो जग माही देख्यो सो प्रभाव कछु नाही। सुना था कि व्यापक विकार रहित वाणी के स्वामी माया मोह से परे पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार, ये वही अवतार है राम रूप में, अगर वो अवतार है तो फिर ये प्रभाव कैसा नागपाश का। बार बार विचार, नहीं वही है, कैसे वो हो सकते हैं। भव बंधन ते छूट ही नर जपि जा कर नाम, खर्व निशाचर बांधे नागपास स्वई राम। अरे जिनका नाम स्मरण करके भवपास से मुक्त हो जाता है, एक राक्षस नागपास में बांध दे प्रभु को, तुच्छ राक्षस, क्या सामर्थ्य भगवान के सामने, भगवान हो सकते नहीं, नहीं भगवान। देखो इसीलिए कहते शरण में रहो शरण में, नहीं इतनी विचित्र माया है कि भगवान के वाहन महाभागवत परम ज्ञानी करुण महाज्ञानी गुण राशि, गजब हो गया। अब नाना प्रकार से वो विचार करते समझा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है महापुरुषों के सानिध्य में उनकी लीलाओं पर फिर मन में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है, जीवत्व है ना। दिगंबर हैं, एक वस्त्र से भीषण गर्मी, जहां तुम पैर रखो तो खड़े ना हो सको, बालू ऐसी गर्म हो जाती है, वहां आराम से आनंद से पड़े, शीतलता सब खुले अंग में सह रहे। वो जो वहां क्यारी लगाते हैं ना गंगा जी या यमुना जी के पावन पुलिनों में, वो ककड़ी खीरा ये सब वो जा रहे, ए भैया हाँ हाँ बोलो। साक्षात करपात्री साष्टांग दंडवत होते हैं बड़े बड़े महापुरुष, उनके दर थोड़ी, अरे आप रोज मांगते रहते हो, अभी हमारी वो ककड़ी बिकी तो है नहीं, हम कहां से थोड़ी। अच्छे अच्छे के दिमाग फेल हो जाए कि बड़े बड़े त्याग वैराग्य वाले जिनको नमन कर रहे हैं, बस समझ में नहीं आता। इसीलिए बस एकमात्र मामे वे प्रपद्यन्ते मायामेत, हे नाथ हमें तुम्हारी बात, तभी उपदेश शास्त्रों में किया गया, महापुरुषों के जो आचरण उनके उपदेश से मिलते हों वही ग्रहण किए जाएं, सब आचरण अनुकरण ही नहीं होते, वो कहां कैसे प्रणाम है नमस्कार है। एक हम संत भगवान को देखा, शास्त्र में लिखा है संन्यास में पान नहीं खाना चाहिए, और उनको कोई दोष दृष्टि संशय व्यक्ति से ले देखा, उनकी दिखो दिनचर्या हमने देखी, जब नवीन अवस्था थी तो बहुत
सूक्ष्म बुद्धि से यही माप, दोष दृष्टि के लिए नहीं, कैसे महापुरुष है, कैसे इन आचरणों से चलते। तो उनका यह था कि रात्रि के 11 बजे तक जग रहे हैं, तो जहां सब सोने के लिए हुए तो सोने का नाटक करते थे, ऐसे लेट जाते चद्दर, और जहां सब सो गए तहां उठ के बैठ जाते थे। 4 बजे 5 बजे सबके कमंडल बाल्टी खटकने लगी, फिर सो गए। 7 बजे उठे, सब नहाए धोए अपने दिन से, जब उठते तो कोई कोई कहता कैसे संत है 7 बजे नहाने जा रहे, 4 बजे नहा चुके थे। जब देखा कि गजब किए का, और दिन में एक केवल आदमी इस बात के लिए रहता था, आधा पान का पत्ता, थोड़ा थोड़ा लौंग, थोड़ी इलायची, ऐसे सुपाई रहता। अरे बेटे लोग आ रहे देख रहे, बाबा पान खा रहे, हर 15 मिनट में 20 मिनट में 30 मिनट घोर वैरागी एकाग्रता से भजन में तन्मय बाहरी चेष्टा। एक संत भगवान को देखा, 4 बजे से मिलने का टाइम था, और बाहर ऐसे जब तखत में आते तो इतना बड़ा वो उस समय कैसेट वाला टेप चलता था, फिल्मी गाना। अब जो सुनता ना तो आधे तो वहीं से पैर लड़खड़ाने लगते, फिल्मी गाना बज रहा है, ऐसे संत के दर्शन करने बैठे और बज रहा, बड़ी जोर से बज रहा है। कोई कोई जो समझने आज बोले सब बाहरी बात हो, आप चलो वहां आप दर्शन करो, बड़े लीला भी है, इसलिए दूर से प्रणाम। बस उनके जो वचन से आचरण मिलते हैं वो हमें करना। इन परमहंस अवधूत महापुरुषों की कई कोटि के महान, एक होते आचार्य कोटि के महान, उनका आजीवन एक एक आचरण अनुकरणीय, आचार्य कोटि के, एक होते अवधूत कोटि के, अपनी मस्ती में। भगवान शंकराचार्य जी आचार्य हैं, एक दिन जा रहे थे मछली बिक रहे थे, उठाया मछली खाना शुरू कर दिया। अब कुछ शिष्यजन उन्होंने देखा गुरु जी जब पा रहे हैं तो वो भी आगे बढ़े, तो कांच गलाया जा रहा था, नारियल का खप्पर था, ऐसे डाला पी गए कांच। अब जो मछली खाए थे अब कांच कैसे हो खोलता हो, पीछे मुड़ के देखा और कहा ऐसे किया तो जीवित मछली जो चबा के खाई थी जीवित मछली निकली धारण, वो तो आधी पाचन तंत्र में फंस गई थी। जो गुरु कर रहे हैं उनकी वो क्रिया जो उनके उपदेश से मिल रही वो करनी है, अन्यथा प्रणाम करना कोई प्रश्नवाचक चिन्ह मन में नहीं आना चाहिए। प्रभु आप जानो, आपकी लीला जाने, हमें जो आदेश है उस आदेश से जो आपके आचरण है वो तो अनुकरणीय। ये भगवान श्री सुखदेव जी ने भी कहा कि महापुरुषों के जो उपदेश से आचरण, जैसे भगवान शंकर विष पी रहे तो अपने विष एक बूंद जाए तो मर जाएंगे, और तो यहीं रोक लिया, और यहां एक बूंद पानी नहीं रोक सकते, तो घाटी द्वार में जब जाए कितनी खांसी आती है, और पूरा विष पी गए जो समुद्र मंथन, तो यहीं रोक लिया, नीचे नहीं उतरने दिया, वो शोभा हो गई नीलकंठ भगवान शिव। गरुण जी को ये भारी संशय हो गया, विचार काम नहीं कर रहा कि भगवान है तो बंधन कैसा, जिनका नाम जप करके लोग भवबंधन से मुक्त हो जाते उनको मैं मुक्त कर रहा हूं, और भगवान नहीं तो हमने सुना है कि भगवान का अवतार इसी रूप में हुआ है, बार 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 बार, अब तो भारी परेशानी पैदा हो गई संशय होने से। नाना भांति मने समझावा प्रगट न ज्ञान हृदय ब्रह्म, अब बहुत खिन्न मन से घूम रहे कोई मेरे संशय का निवारण कर दे। अब नाना भांति मन ही समझावा प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, बार बार गरुण जी विचार कर रहे कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागीशा माया मोह पार परमेशा सो अवतार सुन्यु जग माही देख्यो सो प्रभाव कछुनाही। जो व्यापक है विकार रहित है वाणी के पति है माया मोह से परे हैं परब्रह्म हैं परमेश्वर हैं उनका अवतार है ये मैंने, लेकिन प्रभाव तो नहीं देख रहा हूं ना, एक क्षुद्र निशाचर बांध दिया तो ऐसा महामहिम परब्रह्म पीड़ा को प्राप्त होते हुए नागपाश से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहा, और मैं नागपाश से उन्हें मुक्त कर रहा हूं, बड़ा संशय गरुण जी के हृदय में हुआ। अब संशय निवृत्ति के लिए एक ही उपाय है, संतों की शरण में जाए। तो गरुण महान
ज्ञानी भी हैं, भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के अंग सेवी हैं, देवर्षि नारद जी के पास गए। व्याकुल गयो देवऋषि पाही, कहसी जो संशय निज मन माही, सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम के माया, जो ज्ञानिन् कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई, जेही बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोई, महामोह उपजाउर तोरे, मिटी न बेगी कहे खग मोरे, चतुरानन पही जाहू खगेसा। ब्रह्मा जी मन ही मन विचार करके भगवान की शरण में है, कह रहे कि कोई भी कवि, कोई भी विद्वान, कोई भी ज्ञानी ऐसा नहीं है जिसे माया अपने अधीन न कर सके। भगवान का प्रभाव ऐसा है जो माया से बचा ले। आज तक कई बार माया की चपेट में आकर मैं नाचा हूं। ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी ने भी ऐसा ही बोला था, जिसने विपुल बार जेहि मोहि नचावा, कई बार में, एक दो बार नहीं, कई बार। अब सोचो, मैंने सारे चराचर जगत को जिनकी कृपा से रचा है, मुझको माया ने कई बार नचा दिया, तो पक्षीराज गरुण को माया व्याप जाए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात। भगवान ब्रह्मा जी तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभु ताई, बैन तेय शंकर पही जाहू, तात अनत पूछहु जनी काहू। गरुण जी, मेरी राय मानो तो देवाधिदेव महादेव शंकर के पास जाओ, परम वैष्णवाचार्य हैं, और सावधान, किसी से इस विषय की चर्चा मत करना, ये बात किसी से मत पूछना, नहीं और फंस जाओगे। एकमात्र देवाधिदेव महादेव जी के समीप जाओ, वही जब कभी कोई प्रश्न, कोई संशय आपके हृदय में हो, तो भगवत चरणारविंद के आसक्त चित्त वाले महात्माओं से ही प्रश्न करना चाहिए, तभी संशय की निवृत्ति होगी। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे, तात अनत पूछो जनिका हो, और जगह मत पूछ लेना, नहीं तो फंस सकते हो। ब्रह्मा जी के वचन सुनते ही गरुण जी महाराज बड़ी व्याकुलता से कैलाश की तरफ पहुंचे। परमातुर विहंग पति आयउ तब मो पास, आपके दर्शन प्राप्त है, आपके पवित्र आश्रम का दर्शन करते ही मेरा मोह संदेह भ्रम सब नष्ट हो गया। हे तात, भगवान की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली, दुख समूह का नाश करने वाली, आप भगवान की कथा सुनाइए हमें। प्रभु, मैं बार बार आपसे विनती करता हूं, आप हमें भगवान की चर्चा सुनाइए। गरुण जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेमयुक्त, सुखद, अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही कागभूषण जी के मन में परमानंद और वो भगवान की सुंदर लीलाओं का गान करते हैं। भगवान के पावन चरित्र का श्री कागभूषण जी गान करते हैं, गरुण जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। कागभूषण जी ने संपूर्ण रामचरित्र गा करके सुनाया। कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुनी सब राम कथा खगनाह,
चरित बचन मन परम उछाहा, गयो मोर संदेह सुन्यो सकल रघुपति चरित, भयो राम पद ने तव प्रसाद बायस तिलक। कागभूषण जी ने भगवान की संपूर्ण कथा सुनाई। हे उमा, मैंने जो तुम्हें कथा सुनाई यही कागभूषण जी ने गरुण जी को सुनाई। कथा सुनकर गरुण जी के हृदय में अपार आनंद हुआ। हाथ जोड़कर कागभूषण जी से बोले कि भगवान श्री हरि के पावन चरित्र को श्रवण करने के बाद आज मुझे जो आनंद प्राप्त हो रहा है, सारे संदेह मिट गए। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से आज मुझे प्रभु के चरणों में प्रेम हो गया। यदि आप सत्संग सुनते हैं और विषयों में अरुचि नहीं और प्रभु के नाम जप में रुचि नहीं, तो इसका मतलब है या आप सत्संग नहीं सुनते और या सत्संग सुनते हुए कुसंग बहुत जोर का है। ढूंढ लीजिए, नहीं सत्संग का सीधा फल है संस्कृति कर अंता, बड़े भाग पाइप सत्संगा बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। सीधे सत्संग से भगवत चरणारविंद की प्रीति। युद्ध में प्रभु को नागपाश में बंधे देखकर मुझे मोह हो गया था, संशय हो गया था कि यदि प्रभु सच्चिदानंद हैं तो ये बंधन कैसा, ये बंधन स्वीकार किए तो सच्चिदानंद कैसे, इसीलिए मैं व्याकुल हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल भगवान के चरित्रों को देख करके बड़े बड़ों के मन में संदेह हो जाता, उमा के मन में भी संदेह हो गया था। आज मैं उस संदेह को अपने लिए बड़ा हितकारी मानता हूं। गरुण जी कह रहे, मैं मानता हूं कि संदेह प्रकट करके मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। यदि मेरे अंदर संदेह ना होता तो आप जैसे महाभागवत का सानिध्य ना मिलता, जैसे धूप से व्याकुल कोई आए तो छाया का सुख अनुभव में आता है। इसी प्रकार मैं संदेह से युक्त होकर व्याकुल हो गया तो भगवान ने मुझे आप जैसे महाभागवत का दर्शन संभाषण यह सौभाग्य मिला। बड़ी विचित्र कृपा भगवान की होती जब भक्त का सानिध्य मिलता है। आज मैं गदगद हो रहा हूं कि मेरे ऊपर हरि की बड़ी कृपा है। गरुण जी महाराज काकभूषुंडी जी से कहते, समस्त शास्त्रों पुराणों का सिद्धांत है, मुनिजन भी यही कहते हैं कि संत विशुद्ध मिलही परितेही चितवहीं रामो कृपा करिजेही, राम कृपा तव दर्शन भयउ तव प्रसाद सब संशय गयउ। समस्त शास्त्र पुराण और मुनि महर्षियों का मत है कि सच्चे संत का सानिध्य उसी को प्राप्त होता है जिसको भगवान ने कृपा दृष्टि से देख लिया है। श्री राम जी की कृपा दृष्टि से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ और आपकी कृपा से भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ, सारे संदेह नष्ट हो गए। पक्षीराज गरुण जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर कागभूषुंड जी अश्रु प्रवाह करने लगे। भगवान शिव कहते, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील भगवान की कथा के जो रसिक जन हैं उनको पाकर के जो भगवान के भक्त चर्चा करने वाले, वो कोई गूढ़ रहस्य छुपा नहीं रखते, वो सब उनको प्रदान कर देते हैं। श्रोता सुमति सुशील सुचि
कथा रसिक हरिदास पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। जो संत जन है वो जब ये देख लेते हैं कि ये पवित्र बुद्धि वाला है, पकड़ लेगा, और विनयी भी है, दैन्य है, और इसका व्यसन है भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, भगवान की आराधना करना, तो ऐसे हरिदास को, ऐसे भगवत शरणागत श्रोता को संतजन कोई भी गुप्त राज से छुपा नहीं रखते, सब प्रकट कर देते हैं। कागभुषुंडी जी ने अश्रु प्रवाह करते हुए कहा, पक्षीराज आप तो मेरे स्वामी हैं, मेरे पूज्य हैं, भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं, ये भगवान की आपके ऊपर कृपा नहीं हुई, ये मेरे ऊपर कृपा हुई। कहां मैं काक, कहां पक्षियों के राजा, आप आकर के भगवान के निज दास हो, वाहन हो, मुझे दर्शन दिया, ये आप पर नहीं, ये मेरे ऊपर कृपा है। पक्षियों के स्वामी, भला आपको मोह हो सकता है? हे गोसाई, ये आश्चर्य की बात नहीं है, मेरे प्रभु अपने जनों पर कृपा करते हैं, तो प्रेमी महाभागवतों का दर, गरुण जी अपना सौभाग्य कागभुषुंड जी के दर्शन से, कागभुषुंड जी अपना सौभाग्य गरुण जी के दर्शन से। यहां अहम की कोई गंध नहीं रहती जब भगवत चरण अरविंद में आसक्ति होती है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शनकादि जी, ये बड़े बड़े जो आत्म तत्वज्ञ मर्मज्ञ हैं, जो उपदेष्टा हैं, मुनिजन हैं, वो कहते हैं कि यदि आप भगवान की शरण में नहीं हो तो आप कितना भी शास्त्र पढ़ लो, कुछ भी कर लो, मोह न अंध कीन के ही को जग काम न चाव न जेही तृष्णा के ही न कीन बोरा के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाह ज्ञानी तापस सूर कवि को विद गुण आगार केही के लोभ विडंबना कीन न यही संसार। कागभुषुंड जी कहते, किन मर्मज्ञ महापुरुषों ने कहा है, कौन ऐसा है जिसकी बुद्धि में संशय न पैदा कर दे माया? कर देती है। अगर नाम जब चल रहा है भगवान की शरण में हो तो कभी तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। विवेक शून्य करके मोह में फंसा देना इस माया की बहुत बड़ी चतुराई है, बहुत बड़ी। कौन ऐसा इस जगत में पैदा हुआ है जो भगवान की शरण लिए बिना इस काम पर विजय प्राप्त कर ले? को जग काम नचावन, नचा दिया भैया, नचा दिया। जिनकी बाजुओं के, बाहुओं के बल से थर थर कांपते हैं, एक जगह वो है कि वहां भ्रकुट के संचालन पे उसको कांपना होता है। बड़ी विचित्र दशा इस फूल के बाण चलाने वाले की है, फूल का बाण है, बड़े बड़ों की समाधि भंग कर दे, बड़े बड़ों का इतिहास साक्षी है, एक ही केवल छोटों को नहीं होता। इसीलिए त्रणादपि सुनी चैन, बड़े मत बनो, नहीं तो और बाण तो बाण जाने दो, फूल का बाण मारता है कामदेव। बहुत विचित्र, ये पूरे त्रिभुवन में व्याप्त है, पूरे त्रिभुवन, किसी एक हृदय की बात नहीं, सबके है, सबके। लख बिरले पाए, कोई बिरले। एक महात्मा जी थे, जंगल में एकांत रहते थे और पेड़ की छाल की सूखी हुई पपड़ी
उसको प्राण पोषण के लिए डालते और जल पी के रहते हैं। छाल की सूखी पपड़ी इसलिए कि वृक्ष को भी कष्ट ना हो और किसी जन संसर्ग से बिल्कुल शून्य, किसी से कोई संपर्क नहीं, एकांत गुफा में रहना, निरंतर तप परायण रहना, बहुत अच्छी बात है। पर सत्संग ना मिले तो इसमें भी रोग होने की संभावना है, अहंकार। बहुत समय व्यतीत होने के बाद उनको लगने लगा कि त्रिभुवन में हमारे समान कोई तपस्वी नहीं, जन संसर्ग शून्य, एकांतवासी, घोर तपस्या परायण, आहार जल और सूखी पापड़ी, जो वृक्षों की छाल जो सूखकर ऐसे सहज में, उसको चबा लेना और पानी पी के तपस्या करना। भगवान इसीलिए लिखा है कि आप चाहे जितने बड़े तपस्वी हो, भगवान को खरीद नहीं सकते तपस्या से। तप हो और दैन्यता हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तप हो और अहंकार हो तो भगवान फिर नहीं। यही चूक दंडकारण्य में भी हुई थी। मैं ब्रह्म ऋषि हूं, भारी तपस्या से वहां साधारण रह नहीं सकते थे, राक्षस से गाजर मूली की तरह ऋषियों को खा जाएं, ऐसे स्वभाव बलशाली राक्षस थे, ऐसा उनका स्वभाव था। क्योंकि वहीं आगे वर्णन है, पूछा भगवान ने हड्डियां किन की है, तो बोले जानते हुए अनजान की तरह पूछते हो नाथ, ये सब ऋषियों की हड्डियां हैं, तो भोज उठाए प्रण कीन, निश्चरहीन मैं करूं। शबरी जी के प्रति उनकी भावना स्त्री है, ऐसा आदि आदि। भगवान ने उनके तप के अहम में गंध देखी, किसी आश्रम में नहीं गए ऋषियों के, शबरी जी के पास। भगवान का स्वभाव अहम अच्छा नहीं लगता, भगवान सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। अभिमान जब बढ़ता है तो फिर बढ़ता ही चला जाता है। अब उनके चिंतन में एकदम, जिसे नहीं कहते घमंड, एक घमंड बहुत अच्छा होता है, ये बढ़ना चाहिए, मैं प्रिया प्रीतम का हूं, अस अभिमान जाय जनि भूरे, मैं सेवक रघुपति पर प्रिया प्रीतम, मेरे श्यामा जू, हम श्री श्यामा जू की बल, ये सारे मलिन अहंकारों को नाश कर देगा, ये अहम समस्त सृष्टि के बंधनों से आपको मुक्त कर देगा, अन्य अहंकार ये पसंद नहीं, ये भगवान को पसंद नहीं। एक दिन माया ने रचना रचित कि तुम कितने बड़े तपस्वी हो, जिन वृक्षों की एक वृक्ष से छाल ली तो दोबारा उसमें नहीं, दूसरे वृक्ष की सूखी छाल। अनुमानतः माया की रची हुई नवयुवती, थोड़ा सा हलवा वहां लगा दिया जाके गए, जन संसर्ग शून्य जीवन, उनको लगा मेरी तपस्या के प्रभाव से वृक्ष सेवा करने में उतारू है, ये कोई पदार्थ प्रकट किया है, जवान से चाटा, घी का हलवा बढ़िया बना। बहुत वर्षों के बाद जवान को कुछ मिला पाए और गर्व बड़ा, देखो प्रकृति हमारी सेवा में उतर गई। दूसरे दिन तीन चार वृक्षों में लगा मिला, नियम था एक वृक्ष की छाल केवल, अब तो जहां जहां वो लगा दिखाई दे, अब तो हड्डी हड्डी जो रह गई थी उनमें रक्त संचार बढ़ा, क्योंकि अच्छे पदार्थ जाने लगे। अब चिंतन बदला, मैं कितना महान तपस्वी हूं, देखो पहले तो प्रकृति सूखी छाल से, अब तो कैसे स्वादिष्ट पदार्थ स्वयं प्रकृति देने लगी। अब वो बढ़ने लगा हलवा का जगह जगह, अब भरपेट मिलने लगा, महीना भर लगभग चला, उससे रक्त बना, बुद्धि आकर्षित हुई। अपने समय से जाते थे भिक्षा के लिए वृक्षों की छाल मिले, अब तो पहले ही जा करके तो वो लगा ही रही थी नवयुवती। देखा देवी कौन हो तुम, तो भय का नाटक करते हुए, नहीं डरो मत डरो मत, पात्र में हलवा ले। अच्छा तो तुम हो, तुम तो वन देवी जैसी दिखाई दे रही हो, डरो मत डरो मत, कौन हो तुम? मैं इसी वन में रहती हूं, केवल मां है, सोचा आप जैसे तपस्वी की कैसे सेवा करूं, पर हमने पता लगाया कि आप बिल्कुल एकांत सेवी हैं, मैं भयभीत हूं आपसे, हमारी रक्षा कीजिए।
मैं इसीलिए भयभीत हूं कि कहीं आप ये ना समझ जाए कि आपकी साधना आराधना में मैं भी, अरे नहीं 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 बिल्कुल, इसमें क्या है, जो रोज पा रहे थे वो मैं ही लगा रहे, नहीं अब लगाने की जरूरत नहीं, पात्र लाओ से। देखो अब तुम डरो मत, रोज ले आया करो, अब संभाषण दर्शन आहार बदल गया, विचार एक दिन दूसरे भाव से देखा और कहा तुम्हारा ब्याह हुआ है, तुरका नहीं भगवान अभी तक नहीं, ब्याह करेंगे वो तो करेंगे भगवान, कोई विरक्त थोड़ी है, तो हमसे कर सकती है, अरे भगवान ये तुम्हारे कहां ऐसे भाग्य कि आप जैसा हमें पति मिले, वो अगर कहीं ऐसा भाग्य हो जाए महाराज ना कौन करेगा। महाराज के हृदय में कामदेव के पांचों बाणों का प्रहार, बुद्धि काम नहीं कर रही कि मेरा लक्ष्य क्या था और बात क्या हो रही, तो फिर किसकी आज्ञा की जरूरत है, मां की। आप हमारी मां को मना लीजिए, कैसे मानेंगे, हमारी माए चाहती हैं कि जो हो हमारा पति बने वो हमारी आज्ञा पर रहे, हमारी अधीनता स्वीकार करे। हाँ हाँ तुम जैसा कहोगे, नहीं अब हम तो फिर आपको लंगूटी भी तो रहने नहीं देंगे ना, आपको अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, बाल हटाने पड़ेंगे, हाँ ये भी कर देंगे, फिर आप चल सकते हो हमारे मां के पास। वहां मां ही माया बनी हुई थी और वही माया युवती बनी हुई थी, अंततो गत्वा। जब उनके हृदय में बात फैल गई काम की चेष्टा की सब, तब भगवान ने उनको पेद किया, कहां है तुम्हारी तपस्या, कहां है अहम तुम्हारा। अरे जल में समाधि लेकर शौहरी जी मछली की क्रीड़ा, कहां बाद में इसमें कहां, इसलिए यहां कह रहे हैं कि हे गरुण जी महाराज, मोहन अंध कीन के ही को जग काम नचाव न जेहि, नचा दिया जिसे ने नचा दिया, त्राहे माम अच्छे अच्छे को रोना पड़ा है, हे प्रभु अब क्या कर सकते हैं, ऐसे रह रहे हैं ऐसे रह रहे हैं, फिर भी मन विषयों में जा रहा है, नाथ अब तो कृपा करो। बस वही कृपा करते हैं, वही निष्कामता देते हैं, वही शीतलता देते हैं, वही ज्ञान देते हैं, वही प्रेम देते हैं। इसीलिए चाहे जितना कल एक उपासक कहे थे पूरा जीवन हो गया, यही तो सत्संग और सत्संग रहित जीवन दोनों में अंतर देखा गया। वो ये कह रहे थे कि जब सत्संग सुना तब ऐसा लगा कि मुझे अब राधा नाम जपना चाहिए, तो कई बातें उन्होंने रखी कि ये करूं कि ये करूं, उनके दर्शन में तो लगा तो पूरा जीवन तो हो गया, अभी चित्त का समाधान नहीं हो पाया, पूरा जीवन हो गया सन्यास लिए हुए, पूरा जीवन हो गया वैराग्य लिए हुए, और अभी तक चित्त का समाधान नहीं हो पाया कि मैं चलूं किधर, यात्रा की तो बात जाने दो, अभी चित्त का समाधान नहीं हुआ। अगर आप सत्संग सुनते हैं तो आप निश्चित देखिए चित्त के समाधान की क्या बात है, लक्ष्य का समाधान हो गया है, हम नहीं है भगवत प्राप्ति के योग्य पक्का, लेकिन हमको यह भी संशय नहीं कि हमारी प्रिया जो हमारी नहीं है। बोलो ठसक में कोई अंतर है, यही ठसक भगवत प्राप्ति करा देगी, यही ठसक। अगर आप पर्सनल पूछो कि आपकी योग्यता क्या है, तो जहां प्यार उडुम क्षमते ने अच्छी सुकादी नाम तो या ध्यानगम, वह हम अपनी योग्यता का कार्ड दिखाएंगे क्या, नहीं भाई हम चरण धूल भी नहीं है, अधिकार ही नहीं है, फिर आप गरजते कैसे हो। हाँ हम कैसे इस बात पे नहीं गरजते, हमारी प्रिया जो कैसे इस बात पे गरजते हैं, हमारी प्रिया जो है हमारी, बस ये बात आना सबसे दुर्लभ, और ये बात आती है गुरुजनों की महापुरुषों की रसिकों की कृपा दृष्टि से। इसीलिए कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूल नस्ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग, सत्संग से बैठ गया, जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम, हे लाडली मैं जैसा हूं वैसा आपका हूं, बस
अब आपको कैसा बनाना है ये आप देख लो, आप कैसे मुझे बनाना चाहते बना लो, जिसमें राजी हो वैसे मुझे बना लो, वैसे मेरे मन को कर दो, मेरे स्वभाव को कर दो, मेरी चेष्टा मेरे आचरणों को कर दो। ना मैं कभी सुधार पाया हूं ना कभी सुधार पाऊंगा, लाडली आप अपने योग्य बना लो। भाई इतना जरूर पकड़ लिया गुरुजनों की कृपा से कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आप ही हमारे सर्वस्व हो, बस जीत गए जीत गए। बहुत वार्ता करने पर पता चलता है कि चित्त का समाधान ही नहीं हुआ है, लक्ष्य की प्राप्ति तो बात जाने दो, चित्त का समाधान जैसे किसी से पूछ लो कि आपको तो ये प्रश्न नहीं आएगा कि ये जपूं कि ये जपूं, ये करूं कि ये करूं, वहां जाऊं कि यहां जाऊं, योग करूं कि ज्ञान करूं, सबके पास एक उत्तर होगा जो सत्संग में ध्यान देकर सुनता है और श्री जी की जूठन पाता है, कहीं भी विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी, उसके अंदर एक ये होगी मजबूती, हमारे माई श्यामा जू को रात खत्म, सब खत्म। हम पे थर्मामीटर लगा के देखो, हम मान सकते हैं हम फेल हैं, तुम्हारा थर्मामीटर पता नहीं किसको टिकाओ, लेकिन हमारे भाव में हमारे प्रियालाल के शिवा को भाई यही बात आपको उस परम पद पर आरूढ़ कर देती है। नहीं तो भारी तपस्या भारी व्रत भारी संयम भारी नियम कहीं ना कहीं करता बचा रहता है, और जब ये बात चलती है कि हमारी लाडली जू, तो धीरे धीरे लाडली जू की कृपा से करता श्री राधा जुग चरण निवास स्वामी जी के चरणों के समीप पहुंच जाता है। तृष्णा के ही न कीन बौराहा, भोगे हुए भोगों की चाह। बहुत सावधानी से देखो, सरलता से समझो, जब आप किसी भोग को भोग रहे हो, चाहे रसेंद्री कहो जनेंद्री कहो नेत्र किसी भी भोग को, तो आप नाम जप उस समय मत छोड़ना, तभी आप हमारी बात समझ पाओगे। नाम जप चल रहा हो और फिर आप डायरी रखो और पेन से लिखो उसमें क्या आपको सुख अनुभव हो रहा है। मूर्खता नहीं होनी चाहिए, नाम जप चल रहा हो बड़ी प्रवीण बुद्धि से क्या सुख है उसमें, तो आपको हर सुख में एक प्रमाद स्थिति का सुख दिखाई देगा और कोई सुख नहीं। प्रमाद केवल कोरा प्रमाद, प्रमाद एक कुत्ता हड्डी को लेकर के एकांत भागता है कि दूसरा कुत्ता छीन न ले, और जब चबाता है तो सूखी हड्डियों में उसके गलफर से खून निकलता है और वो उसे सुख समझता है, अपने ही निकले हुए रक्त को देखकर वो आनंदित होता है। ये प्रमाद ये भ्रम, ऐसे ही इस त्रिभुवन के माया रचित सारे सुख है। सच्चा सुख जिस समय स्फुरित होगा आपके हृदय में, फिर खुद आप इसी बात को समझ जाओगे। जब तक इस झूठे सुख में लगे हुए तब तक ये बात झूठी लगेगी, और जब इस सुख का अनुभव होगा तब ये समझ में आएगा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर त्रिभुवन के माननी जगत गुरु हैं, चाहे जो बातें बनावे उनके जैसा महावैष्णव, उनके जैसा परम ज्ञानी देवाधिदेव महादेव, वो क्या कह रहे हैं, मैं अनुभव अपना बता रहा हूं, सच्चा सुख भगवान का भजन है, जगत का सब झूठा है। मान लो गुरुदेव बोल रहे हैं, जगत गुरु बोल रहे हैं महादेव, पर तृष्णा जो भोगा है उस समय तो सुख नहीं लगा, अब उसके चिंतन बिल्कुल, अब हम कैसे बताए समझ पाओ, अगर आपका चिंतन किसी भोग का ना हो और फिर आप देखो चिंतन कहीं प्रभु में लगा हो, तो कोई त्रिभुवन में सुख नहीं है ये आपको अनुभव होगा, भोगों में है ही नहीं। जब आप पहले से उसकी कल्पना करते हैं उसका चिंतन करते हैं, तो उस चिंतन में जो सुखानुभूति भ्रमात्मक हुई उसी का आप अनुभव करते हैं वहां। अगर आपका चिंतन भगवदाकार है तो त्रिभुवन का कोई भोग विषयान ग्रहणं तो मुंचंत हुआ, कोई भोग उसे है ही नहीं सुख। बाद में जब चिंतन होता है उस समय क्लेश पश्चाताप, उसके दो घंटे बाद जब चिंतन होता है फिर नवीन भोग भोगने की इच्छा, इसी का नाम तृष्णा है। तृष्णा के ही न कीन बौराहा, किसको पागल नहीं बना देती है तृष्णा, के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा।
जब हम कामना करते हैं व्यक्ति वस्तु स्थान की, ऐसी 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 उसमें जब बाधा पड़ती तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो स्मृति खत्म हो जाती है कि मैं भगवत दास हूं, मेरा कार्य है सबको सुख पहुंचाना, कठोर वचन, नाना प्रकार की कुचेष्टाएं, क्रोध के द्वारा हिंसा आदि भी हो जाता है। कौन ऐसा है जिसके हृदय में क्रोध ने आग न पैदा की हो, दाह न पैदा की हो। ज्ञानी तापस शूर कवि कोविद गुण आगार, किही के लोभ विडंबना कीन नये संसार। श्री कागभूषुंड जी गरुण जी से कहते हैं, ऐसा कौन है जो ज्ञानी हो, तपस्वी हो, शूरवीर हो, कवि हो, विद्वान हो, गुणों का धाम हो, इस लोभ ने जिसको मिटिया मेट न कर दिया हो। है भगवान का निरंतर भजन करें उसका नाम नहीं। शास्त्रों का ज्ञान है ज्ञानी, खूब तपस्या प्रायण है, शूरवीर है, कवि है, विद्वान है, गुणों का धाम है, लोभ ने किसको मिटिया मेट नहीं कर दिया। जो भगवान की शरण में हो के भगवत नाम जापक है, जहां विजय श्री दिखाई दी गई इन विकारों पर, उसी को है। बिल्कुल पक्का समझो, अपने में दैन्यता, सब में भगवत भाव, निरंतर नाम जप, त्रिभुवन में कोई परास्त नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं। गृह कानन में रहो कहो में, को पकड़े ना ही पला, रे मन भजिए नंद लला। चाहे जंगल में रहो चाहे गांव में रहो, तुम्हारा कोई पल्लू नहीं पकड़ सकता। ये महापुरुषों का अनुभव, जो रात दिन भगवत आश्रित, शब्द याद रखो, भगवत आश्रित, अपने में दैन्य भाव, सब में भगवत भाव, निरंतर नाम जब, कोई परास्त नहीं कर सकता, त्रिभुवन का कोई विकार तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। कौन ऐसा है जिसको लक्ष्मी मिल जाए, वैभव मिल जाए, अहंकार ना हो जाए। प्रभुता ने किसको बहरा नहीं बना दिया, जहां पद मिलता है फिर कि नहीं, फिर दिनों की बात सुनने में नहीं आती। पद ना मिले फिर व्यवहार देखो, और पद मिल जाए फिर व्यवहार देखो, अंतर हो जाएगा। ऐसा कौन है, मृगलोचन के नयन सर को अस लाग न जाए। इसीलिए कहा गया है, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभनाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद किनाई। इन नेत्रों को थोड़ा शासन में रखना सीखे। कभी कभी देखते हैं कि छोटी सी जगह एकांतिक है, प्रश्न कर रहे हैं अध्यात्म का, बार 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 दृष्टि, तब अंदर से लगता है अरे बावरे, माया से मुक्त होने का प्रश्न कर रहा है और चेष्टा माया में ही फंसने की कर रहा है। कौन है जिसको तुम देखना चाहते हो, भगवान ही उस रूप में बैठा हुआ है। ऐसा रूप में फंसाएगा अपने कि किसी काम के नहीं रह जाओगे। वही अत्यंकर काल रूप में भ्राता, दूसरा कोई नहीं है। जब देखो किसी माई बहन को, उनके चरणों में देखो, प्रणाम करो, नाथ बस हमारी पहुंच आपके चरणों तक, चरणों में भगवान का वास है, भगवान विष्णु का सबके, इसीलिए चरण पखारे जाते हैं, किसी खोपड़ी धोके नहीं पी जाती, चरण धोके पी जाती, क्योंकि भगवान विराजमान है सबके चरणों में। सबके चरणों का दर्शन करने का मतलब भगवान का हम दर्शन कर रहे हैं। भाव रखना चाहिए, सबसे पहले सबके चरणों का दर्शन, और माताओं बहनों के इस दर्शन के लिए तो शास्त्र बैरागी या धर्मात्मा दोनों के लिए निषेध करता है। आप गृहस्थ में हो, अपनी पत्नी के सिवा किसी माई बहन को काम भाव से मत देख लो, बहुत संभाल के नेत्र इंद्रिय, ये अध्यात्म मार्ग है, ये संसारी लोग क्या समझेंगे। चाहे माता बहन हो चाहे पुरुष हो, परस्पर आकर्षण से बचने के लिए अपनी दृष्टि को सावधान रखो। कह रहे कि जिसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों प्रवाह चलते रहते गुणों के, जब रजोगुण और तमोगुण का प्रवाह होता है तो सन्निपात समझो। सन्निपात में क्या बोल रहा है, क्या चेष्टा कर रहा है, उसे पता ही नहीं रहता। जब रजोगुण तमोगुण चढ़ा होता है तो यह ऐसा सन्निपात होता है, घोर से घोर पाप अच्छे अच्छों से करा देता है। ये गुण धर्म तुम्हें व्यापे ना, इसके लिए औषधि हरिवंश महाप्रभु बता रहे हैं। यही डर ही डरप हरिवंश ही, जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोकते हो। इसीलिए कह रहे हैं, अगर नाम चल रहा है भगवद आश्रित हो तो ये गुण धर्म भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा,
जो रजोगुण तमोगुण बार बार हमारे हृदय में भोग वासना हिंसा क्रोध द्वेष ये सब ये नहीं कर पाएगा। नाम जप करो, नाम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, नाम सब की औषधि, एक औषधि अनंत रोगों का नाश, भव रोग का नाश, नाम। ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जो मान प्राप्त होने पर उससे अछूता रह जाए, वो भगवान का भक्त है। जो सबहि मानप्रद और आप अमानी, अगर मान स्वीकार हुआ तो गुदगुदी होने लगती हृदय में, हाँ अच्छा है, हाँ ले अच्छा है, तो अभी आ रहा है वो जो जलाएगा, अब उसको सह लेना, तब फिर रोते हैं। ये बिल्कुल समझो, यदि मान को स्वीकार नहीं किया तो अपमान रुला नहीं पाएगा, स्तुति को स्वीकार नहीं किया तो निंदा तुम्हें दुख नहीं देगी। आप परमार्थ के स्वरूप को समझे। कौन ऐसा है जवानी का बुखार जिसको न चढ़ाओ? बुखार में नहीं होता, अलग ही आवाज निकलती बुखार में, ऐसे नहीं होता? तो जवानी का बुखार, इसमें अलग ही रंग चढ़ता है। जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, जवानी का एक अपना अलग स्वरूप होता, और इसमें जो समल गया निकल गया माया से, यही है खास बात, यही है। इस यौवन अवस्था को बहुत शासन, कई ऐसे भाईजन के दर्शन होते हैं जो गृहस्थ में है और धर्मात्मा है, दर्शन से पता चलता है, संभाषण से पता है, तब हृदय में लगता है कितनी कृपा इनके ऊपर है कि अभी 28 के हैं, 20 के हैं, 25 के हैं और धर्म में चल रहे, कितनी बड़ी जोर की बात है। जौवन ज्वर ये आपे से बाहर कर देता है। और कौन ऐसा है कि ममता में फंस करके अपने यश का नाश न कर दे? ममता के ही कर जसन नशावा, जिसने अपनी ममता प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी, सुरक्षित है। डाह किसको नहीं जला सकती है? ऐसा कौन सृष्टि में है? डाह मत्सरता, बड़े से बड़ा पाप इससे हो जाता है, बड़े से बड़ा अधर्म इसमें हो जाता है। कौन ऐसा है जिसको शोक रूपी पवन ने सुखा न दिया हो? शोक वही है जिसने भोगों में हर्ष नहीं किया, भगवान का आश्रय लेकर क्षमता में स्थित हो गया, ये शोक। नहीं तो संपूर्ण सृष्टि शोक युक्त, हर्ष में तुम उन्मत्त हुए हो तो शोकित होना पड़ेगा। कौन ऐसा है कि चिंता रूपी सांपिनी ने उसे खाया ना हो इस संसार में? वही है जिसने चिंतन किया है भगवान का, अनन्य चिंतयन्तो माम, उसे चिंता रूपी सांपनी ने नहीं खाया। कौन ऐसा जगत में है जिसको माया ने अपने चपेट में न लिया हो? वही जो मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, भगवान की शरण में अन्यथा पूरी सृष्टि। कौन ऐसा है जिसकी कामना रूपी कीड़ा ने अंदर ही अंदर पोला न कर दिया हो हृदय को? कामनाओं पे कामना, वही है जिसको भगवान का भरोसा है, जथालाभ संतोष सदा, काहो सो कछु न चाहोगो। कौन ऐसा धैर्यवान है जो विषयों के सानिध्य में फिसला ना हो? वही जिसने भगवान के चरणों को पकड़ लिया है मजबूती से, जैसे तूफान आवे और मजबूत पकड़ हो फिर नहीं। भगवान कह रहे मम पद मन ही बांध बर डोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, समस्त ममताओं के ताग को बटोर कर एक रस्सी बनाओ और मेरे चरणों में बांधो, फिर देखते हैं तुम्हें कौन उड़ा के ले जाता है, कौन घसीटता है, नहीं घसीट पाएगा। मम पद मन ही बांध बर डोरी, वो महान धैर्यवान जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए हुए है। कौन ऐसा है जिसको कंचन कामिनी और कीर्ति ने धूल धूसरित न कर दिया हो? पुत्र की धन की लोक प्रतिष्ठा की, पुत्र ऐषणा वित्त ऐषणा लोक ऐषणा कंचन कामिनी कीर्ति, इन प्रबल इच्छाओं ने मलिन न कर दिया हो, नष्ट न कर दिया हो, वही जो हरिशरणम हरिशरणम, ये सब प्रबल माया का परिवार है। गरुण जी महाराज, अगर चूक हो जाए तो शिव चतुरानन जाहि डिराही, अपर जीव के ही लेखे माही। इसलिए डरते रहो, भगवान के आश्रित रहो, निरंतर नाम जप करते रहो, निकल जाओगे
नाम जब छूटा फंसे फंसाए, कया हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तो सुमिरन। भगवत आश्रित अपने में दैन्यता, सब में भगवत भाव, निरंतर नाम जप, वर्तमान में तुम भगवत प्राप्त हो, वर्तमान में तुम्हें चिंता नहीं करनी। बस ये बात हमें हृदय में उतारनी, अगर ये नहीं तो ये सब है, कुछ पैदा ही नहीं हुआ, ये सब है। वो अंदर ही अंदर जाल रचे और इतने तन्मय किए कि आपको पता नहीं है कि आप में है। पता तो तब चलता है जब भजन शुरू होता है कि ये मेरे में है, और जहां पता चलने लगता है तो ये कम होने लगते हैं, और जब आप भजन में तन्मय हो जाएंगे तो ये भी सब भगवत स्वरूप में लय हो जाएंगे, इनकी सत्ता ही नहीं। काकभुशुंड जी महाराज गरुण जी से कहते हैं, कौन ऐसा है, कौन ऐसा जन्मा है जिसे काम ने नचाया ना हो, कौन ऐसा है जिसे भोगों की तृष्णा ने बावरा न कर दिया हो, कौन ऐसा है जिसे जवानी का बुखार न चढ़ गया हो। जैसे सन्निपात में आदमी को ज्ञान नहीं होता, ऐसे यौवन का सन्निपात चढ़ता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या धर्म क्या धर्म। संपूर्ण संसार को अपने अधीन किए हुए माया रखे, जब उसे सत्य मार्ग सुनने को मिलता है, असत आचरण युक्त होता है तो शयन नहीं होता, वो निंदा करने लगता है, धर्म वाक्यों की, शास्त्रों की, भगवान की निंदा करने लगता है। निंदा करना अर्थात वो अंदर से समझ रहा है ये बात सही है, पर उसके गलत आचरण होने के कारण स्वीकृति नहीं हो पाती, तो द्वेषात्मक भाव में बदल जाता है। निंदा करने वाला भी जान रहा है ये सत्य है, अंदर की बात तुम्हें कह रहे हैं। द्वेष उसी से होता है जिससे राग होता है, राग ना हो तो द्वेष होगा ही नहीं। उस बात को सत्य अंदर से समझ रहा है पर आचरणहीनता होने के कारण स्वीकार नहीं कर पा रहा, इसलिए निंदा करने लगता है। व्यापी रहो संसार महु माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। हे गरुण जी, बड़ा माया का परिवार है, कौन वर्णन करे इस माया के परिवार से। तो शिव चतुरानन जाहि डराहि, अपर जीव केहिले खे माही। बड़े बड़े ईश्वर ये भी डरते हैं हमारे हरि की माया से। शिव चतुरानन जाहि डराहि, अपर जीव, ए बेचारे जीव क्या है। माया का प्रचंड सैन्य बल है, छोटी मोटी हस्ती नहीं, भगवान की शक्ति है। मम माया दुरत्या, ये काम क्रोध लोभ ये सेनापति हैं इसके, दंभ कपट पाखंड ये विशेष सेना के योद्धा हैं, बड़े बड़ों को परास्त करने की सामर्थ्य इनमें है। प्रचंड सेना, प्रचंड सेनापति माया के। सो दासी रघुबीर के समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पन रोपी। मैं प्रण करके कहता हूं कि बिना भगवान की कृपा के इस प्रचंड माया के सेनापति और सेना से जीत पाना बहुत कठिन है। ये प्रचंड माया और इसके सेनापति, इसकी सेना, ये सब भगवान की ही है, किसी और के। सो दासी रघुवीर की, जब भजन करोगे तो यही सब मिथ्या हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे, पर निरंतर नाम जब, इसीलिए सबसे प्रार्थना करते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा भजन सब नष्ट हो जाएगा,
उसका भाव यह है कि जो तुमने वर्षों के अभ्यास से भजन का अभ्यास वो रुक जाएगा, भजन कभी नष्ट नहीं होता। मानो आपने कुछ समय लगातार भजन की प्रयास वृत्ति की, कोई ऐसी गलती बन गई, कोई ऐसा अपराध बन गया, भजन में रुचि नहीं रह गई, श्रद्धा नहीं रह गई, कोई बात नहीं, जितना भजन किया अब वो तुम्हें बचाएगा, वो कभी नष्ट नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा, किसी भी जन्म में नष्ट ही नहीं होगा, वो तो अविनाशी। एक बार बोला राधा राम कृष्ण हरि शिव जो नाम, ये अविनाशी है, ये ऐसा थोड़ी कि अपराध से नष्ट हो जाएगा। हाँ, रुक जाएगा, ढक जाएगा, और आपको अपराध के समय बोध होगा कोई सहयोगी नहीं, तभी तुम घबराओगे, भयभीत होगे, दंड मिलेगा, पर जहां उस अपराध का मोचन हुआ तो वही भजन प्रकाशित हो जाएगा, वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए प्रतिपल कंजूस की भांति नाम को समेटो, एकत्रित करो, खर्चा मत करो, नाम को बचाओ। नाम जपना कठिन, कर भजन करके उसे बचाना कठिन, और बचा के उसे पचाना कठिन। बेचो मत नाम को, ये संपत्ति बेचने वाली नहीं। यहां मणि दे करके कांच खरीदना होगा, नहीं, छोड़ो, प्रभु के ऊपर छोड़ो। वो योगक्षेम वाहम्य हम कह रहे हैं, आप खूब नाम जप करो। नाम में इतनी बड़ी शक्ति विराजमान है कि जिस प्रचंड माया की महिमा का वर्णन किया गया, कौन ऐसा जन्मा, कौन ऐसा जन्मा, जिस प्रचंड माया के सेनापति काम क्रोध लोभ आदि की महिमा का वर्णन किया गया, कपट दंभ पाखंड सेना का वर्णन किया गया, ये सब मिथ्या हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है नाम जापक के सामने। शो दासी रघुवीर कहे, जैसे हम भगवान के अंश हैं तो वो भी भगवान की शक्ति है, पर भगवान नाम के प्रभाव से वो मिथ्या हो जाती है, नहीं तुम्हारे मिथ्या कहने से नहीं होगा। अगर रस्सी दूर से सांप दिखाई दे रही तो कदम नहीं मारोगे, और फिर धीरे से दिखाई देने लगेगा कि वो पुंकार मार रहा है, और जहां प्रकाश पहुंचा या पहुंचा हुआ वहां कोई आपको विश्वास दिला दे कि देखो मैं खड़ा हूं, बिल्कुल सांप नहीं, ये रस्सी है, आप आके खुद देख लो, वो भय खत्म हो जाएगा। ऐसे ही माया रस्सी का सांप है, मां माने नहीं या माने जो, माया जो नहीं है, ना होते हुए ये देखो कितना प्रचंड प्रताप है। जो प्रभु है, नाम है, धाम है, लीला है, अगर उस पे आ जाओगे तो ये जो माया का प्रचंड प्रताप वर्णन किया गया है ये है ही नहीं, मिथ्या हो जाएगा। पर ना होते हुए भी ठूठ का भूत इतना जोर का है कि जब तक भजन नहीं करोगे, बिन हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल, और भजन न होए संग बिनु, बिना भक्तों के संग के भजन नहीं हो सकता। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। बलिहार, जो माया सारे ब्रह्मांडों की रचना करके नचा रही है सबको, जिसकी चरित्र को कोई नहीं जान सकता, क्या यही माया है? जान ही नहीं पाओगे। जब जनाया जाएगा तब आपको लगेगा अच्छा ये माया थी, मैं ठगा गया, तब जानोगे। जब धम्म से गिर पड़ोगे और कोई बतावे कि तुम गिर पड़े हो तब, नहीं तो गिरे हुए भी आप मुझ में ताव दोगे कि देखते मुझे कौन गिरा सकता है, यही यही प्रचंड माया है। जासु चरित लखिका हो न पा, बड़ा आश्चर्य में इसका प्रताप है, बड़ा आश्चर्य में। लेकिन ये सब भगवान की संकेत भ्रू विलास से नाचते हैं संपूर्ण समाज सहित, सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी सहित समाज। कैसे कैसी बातें लोग करते तो लगता है धन्य है प्रभु आपकी माया को, प्रणाम है नाथ, अपने आप को भूल करके अपने आप को गालियां दे रहा है, अपने आप को भूल कर अपने आप को
प्रणाम है महाराज, आप ही समझाओ तो समझ में आएगी, नहीं चाहे शिव और भगवान ब्रह्मा जी आकर समझावे तो मूरख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सब। भगवान चतुर्मुख, हमारे तो एक ही मुख है, चतुर्मुख से आके समझावे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा, उनको भी साबित कर देगा तुम्हें ज्ञान नहीं है जो हमें ज्ञान है। कल कोई कह रहा था कि यदि विज्ञान का परिचय नहीं मिला वो अधूरा है, उसको पूरा ज्ञान नहीं है। विज्ञान प्रकट कहें, विज्ञान कहते किसे हैं? विज्ञान का मतलब तुम केवल हवाई जहाज उड़ाना समझते हो क्या? अरे जितना भी प्रकट हुआ सब हमारे शास्त्रों से, आप देख लो आग्नेय अस्त्र उसी को मिसाइल रूप में बनाया गया है। कोई भी चीज ऐसी हो जो शास्त्र में हमारे ना, अध्यात्म से ही सब प्रकट हुआ है और सारा अध्यात्म एक में है। वेदों में जितना भी ज्ञान भरा हुआ है, उपनिषद में जितना वेदांत भरा हुआ है, वो सब आउमा ओम प्रणों में भरा हुआ है। एक प्रणो उद्गीत तो चारों वेद और वेदांत का सब सार उदय हो जाएगा, और भक्ति प्रेम ज्ञान वैराग्य जो भी सब नाम में समाया हुआ है, राम कृष्ण हरि जो भी नाम गुरुदेव ने दिया, आप जप के देखो सारा ज्ञान उसके अंदर बैठा हुआ है। अब नाम जप में रुचि नहीं है, भौतिकता में रुचि है, अध्यात्म जाके चोट पहुंचाता है, वो तिलमिला उठता है, वो कहता है तू झूठा है, तिलमिला उठता है क्योंकि उसकी भौतिकता नष्ट होगी ना। सोई प्रभु भ्रु विलास खग राजा, नाच नटी यु सहित समाजा। अपने समाज के सहित माया नाचती है किनके? प्रभु श्री हरि के इशारे में। तो जब शरणागत हम हो जाते हैं ना, तो जो प्रभु कहा मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ते, प्रभु ऐसे कर देते, कोई चेकिंग नहीं, कोई विक्षेप नहीं, निकलो चलो जाओ प्रभु की शरण में। और जो माया का स्वामी बनना चाहता है, मायापति बनना चाहता है, भोगों को भोगना, फंस जाता है इस प्रचंड जाल में। उसको समझाओ तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सुई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। विज्ञान रूप स्वयं भगवान है, वही सच्चिदानंद प्रभु हैं, वही अखंड बल के समुद्र हैं, वही विज्ञान आनंद घन है। चिंतन करो, परमानंद में डूब जाओ, क्यों मेओ प्रपंच छोड़ो, बहुत छोटी बुद्धि है, अगाध समुद्र प्रभु हैं। तुम प्रभु के ही बल से प्रभु को गाली दे रहे हो, प्रभु के बल से ही प्रभु के प्रति तुम्हारा अपराध बन रहा है, उन्हीं के बल से तुम श्वास ले रहे हो, फिर भी कह रहे हो कौन भगवान कैसा भगवान, श्वास लेने की भी तुम्हारी ताकत नहीं। वैसे भी देख लो अगर ऑक्सीजन कम पड़ जाए तो सिलेंडर में कितना जी पाओगे, है इतना पैसा तुम कि सिलेंडर के ऑक्सीजन से पूरा जीवन निकाल दो, फिर ही ऑक्सीजन दे रहा मेरा भगवान, फिर ही तुम्हें जीवन दे रहा, जल दे रहा, भूमि दे रहा, सब। अभी समझ में नहीं आ रहा कोई है भगवान, जरा सी जल वृष्टि हुई तो प्रांत के प्रांत में हाहाकार, ऐसे हो जाए तो प्रांत का प्रांत मिट्टी में मिल जाए, कौन है ये सब, क्या कर रहा है? तुम्हारे कर्म बिगड़ते चले जा रहे हैं तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें एक अवसर मिला है, निकल जाओ इस महान प्रचंड माया के जाल से, क्यों में छोड़ो, राधा राधा बोलो, राधा राधा ये मैं मत बोलो, माया जो है पीट देगी, राधा राधा बोलो, राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि नाम बोलो, मान लो ये वही जादू है जो तुम्हें माया की जादुई फंदे से बचा सकता है, नाम ये अपार जादू में है, नाम तुम जप के तो देखो अपार जादू में। वो बुद्धि मलिन है इसलिए पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव न काहु, वो समझते हैं कि ये जो बाबा जी जन है संत जन है इनका धंधा ही है बोलना है, बोल रहे हैं अब क्या करें, बेचारे काम तो है नहीं। वो कहते हैं इनके काम तो है नहीं, तो कितना बढ़िया प्रमाण दे रहे हैं काम रहित है, तब तो जरूर बात सुननी चाहिए।
अगर काम रहित कोई बात करे तो जरूर ध्यान दे के सुनना चाहिए, काम माने कामना, और कामना युक्त यदि बात हो रही है तो फिर मिलावट है, फिर समझना चाहिए, फिर बहुत सावधान होकर सुनना चाहिए। तो आप लोग खुद कह देते हैं जो निंदा करने वाले ना, कोई काम तो है नहीं, कोई धंधा भी नहीं है, प्रमाणित कर रहे हैं कि इनका बोलना धंधा नहीं है, ये निष्काम है, पर हमारी ताकत नहीं कि इनकी बात समझ लें, प्रमाण वही दे देते हैं, बोले इनके ना कोई काम है ना कोई धंधा है, रात दिन कहां लगे, ना धंधा है और ना काम है, कितनी बढ़िया प्रमाण की पत्र दे रहे साधु को। अब उसकी बात मान लो जिसका धंधा नहीं और जिसका काम नहीं, जिसके हृदय में काम नहीं और धंधा नहीं है ये, तो अब बात मान लो तुम निर्विकार सच्चिदानंद को प्राप्त हो जाओगे, पर तुम्हारा मलिन स्वभाव जो भोगों की तरफ जा रहा है वो स्वीकार नहीं करने देता। अज विज्ञान रूप बलधामा, ये हमारे प्रभु अमोघ शक्ति संपन्न है, ये विज्ञान आनंद घन है। आपको किसी ने कहा था कि अनुभूति नहीं है तो हम कैसे माने कि वो है, कैसे बताए, अब इनको कौन सा सूत्र समझावे, जब भजन ही नहीं है जीवन में तो कैसे समझोगे हमारी बात। तुमने केवल मां की बात मानी है कि ये पिता है, तुम्हारे पास प्रमाण पत्र है ये हमारे बाप है, क्या है वर्तमान में, क्या प्रमाण पत्र है, मां की वचन माना बच्चापन से, तो आज तक हमें स्वीकृति है कि मेरे वो है। बोले डीएनए जांच करवा लेंगे, करवा लेंगे ना, तो अपनी भी डीएनए जांच करवा, तुम भगवान के हो, ममैवांसु भगवान बोले और संतों ने कहा ईश्वरन से जी अविनाशी, पर उसके लिए कोई सिंपल नहीं, वो सिंपल क्या कहते हैं, उसके लिए तो आपको अनुभव में आना पड़ेगा, अनुभव गम में भजे जय संता, सच्चिदानंद भगवान के तुम बच्चे हो, अंश हो, तुम पूर्ण सच्चिदानंद भी हो, क्योंकि आत्मस्वरूप भगवान का अंश आत्मस्वरूप भगवत स्वरूप है, उसके लिए भजन चाहिए। जब कोई राधा बाबा से प्रश्न करता तो बोले कितना नाम जप करते हो, जाओ 1,00,000 नाम रोज जप करो, फिर हम देखेंगे, तब तुम्हें प्रश्न का उत्तर देंगे, तब समझ में आएगा। ये बकवास वाला विषय नहीं है, ये तो अध्यात्म का विषय है, पवित्र अंतःकरण, उसके लिए सत आचरण करो, सात्विक भगवद अर्पित भोजन करो, खूब नाम जप करो, दूसरों की सेवा करो, अभी बात समझ में आने लगेगी। ऐसे क्यों म्यों, चाहे जितना करते रहो, क्यों म्यों का अंत है क्या, अब जैसे प्रश्न ही वाचक कपारे में लिखा है माथे पे तुम्हारे, हर समय प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न, तो उत्तर क्या होगा, कोई प्रश्न की जरूरत नहीं, राम राम हरि हरि, कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोलो, सब समाधान हो जाएगा, निरंतर भजन करो। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता अगुण अदभ्र गिरा गोतीता शब्दर्शी अनवद्य अजीता निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी इहां मोह कर कारण नाही रवि सन्मुख तम कबहू की जाही भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप किए चरित पावन परमु प्राकृत नर अनुरूप जथा अनेक बेश धरी नृत्य करई नट कोई सोई सोई भाव दिखावई
आप न होई न सोई। हे गरुण जी महाराज, हमारे प्रभु सच्चिदानंद हैं, अजन्मा है, विज्ञान स्वरूप है, रूप और बल के समुद्र हैं, सर्वव्यापक हैं और सर्व रूप हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, अमोघ शक्तिवान, जिसकी कभी शक्ति व्यर्थ नहीं होती, सदैश्वर्य हैं, माया के गुणों से रहित निर्गुण हैं, महान वाणी इंद्रियों से परे वो सब कुछ देखने वाले हैं, निर्दोष हैं, अजेय हैं, ममता रहित हैं, निराकार हैं, पांच भौतिक देहधारी नहीं, चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रभु इच्छा रहित है, सबके हृदय में बैठे देख रहे हैं, विकार रहित हैं, अविनाशी हैं, ब्रह्म हैं। गरुण जी, यहां तो मोह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भला कभी सूर्य के सामने अंधकार गया है? ताकत नहीं उसकी। ऐसे ही जो भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं, उनके हृदय में संशय पैदा हो जाए, असंभव। तो कैसे हुआ गरुण जी के हृदय में संशय? जब प्रभु को भूलकर मैं की याद आ जाएगी तो संशय हो जाएगा। मैं गरुण सर्प बंधन से मुक्त कर रहा हूं भगवान को, और अगर मैं का विस्मरण करके केवल भगवान का चिंतन हो रहा है तो संशय होगा ही नहीं। संशय तभी होता है, मैं इतना कर रहा हूं, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम भी कीजिए। फंस गए। जहां मैं की स्मृति जागृत हुई और मैं और तुम हुई, उसे वही माया थप्पड़ मार देगी, वही फंसा लेगी अपने जाल में। या तो फिर मैं ही मैं, तो हम ब्रह्मास्मि, तू आने ना पावे, और या फिर तू ही तू, मैं लीन कर दो, मैं आने ना पावे। अगर मैं और तू, तो इसी का नाम माया है, फंसा देगी। प्रभु वही अव्यक्त सत्ता अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतार धारण करते हैं। प्रभु जो शरीर धारण करते हैं, ठीक वैसा ही लीला करते हैं जैसे कोई अभिनेता, कोई नाटक करने वाला, विविध नाटकों में विविध रूपों में देखा गया, लेकिन वो तो एक ही है ना। कभी वो धर्मात्मा का रोल कर रहा है, कभी इधर राजा का रोल कर रहा है, कभी विविध रोल, विविध स्वांग, विविध लीला, पर वो है तो एक ही ना। पर वो जो जो स्वांग रखता है फिर वो वैसे ही करता है। अगर राजा रूप रखा तो पूरी उसमें राजा की ही अभिनय की वृत्तियां दिखाई दी, और अगर दास का रूप रखा तो पूरे दास का, क्योंकि वो चतुर अभिनय करने वाला है। जगन नाटक वैभवा, वो अपने रचे हुए इस नाटक मंच में जो स्वांग करता है जैसा, वैसे ही सांगो पांग, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। लेकिन उसका दास पहचानने में भूल नहीं करता, वो समझ जाता है मेरा स्वामी इस समय ये स्वांग कर रहा है, ये लीला कर रहा है। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके दर्शकों को लुभायमान कर देता है, कभी भयावह, कभी कभी मृदु, कभी कोई कोई, लेकिन जो उसको पहचानता है वो जानता है ये अभिनय करने वाला कौन है। बोले उसमें था, उसमें था, उसमें था, उसमें था, उसमें, इसमें, इसमें धर्मात्मा का कर रहा है, इसमें महात्मा का कर रहा है, उसमें राजा बना था, उसमें अमुक बना था, लेकिन जो बना था वो है एक ही। ऐसे ही भक्त देखता है, क्रूर, दुराचारी, नीच, महात्मा, उत्तम, महान से महान, ये सब अभिनय उसी जगन नाटक मंच पर एकमात्र सच्चिदानंद का हो रहा है। तुम अपनी दृष्टि सुधार लो, वो ऐसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो, जैसा तुम देख रहे हो ऐसा नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा भी नहीं, वो तुम्हारी सोच और तुम्हारी दृष्टि से बहुत परे है, अनुभव हो जाएगा तुम्हें। नाम जप करो, आश्रित रहो। श्री काकभूषुंड जी कह रहे गरुण जी महाराज से, गरुण जी ये भगवान श्री हरि की लीला ही ऐसी है,
कि अगर सावधान नहीं रहे तो मोहित हो जाओगे, जान ही नहीं पाओगे। सावधानी क्या है? नाम छूटा, भगवत स्मरण छूटा, हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, हानि हो जाएगी। कोई न कोई विषय प्रपंच संशय आपको घेर लेगा, इसलिए तब सुख हरिवंश गुण नाम रस नारटत और बहुवचन अति दुख दानी। भगवत चर्चा के सिवा, भगवान नाम के सिवा कुछ बोलना स्वीकार मत करो, कुछ सुनना स्वीकार मत करो, ये माया तुम्हें नहीं फंसा पाएगी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरही इहि स्वामी। हे स्वामी, हे गरुड़ जी महाराज, ये जो विषयी पुरुष मलिन बुद्धि वाले हैं, कामी हैं, वे प्रभु पर भी आरोप कर देते हैं। भगवान में तो ऐसा किए हैं, आरोप कर देते हैं। काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। देखो महापुरुषों के, भगवान की छोड़ो, जो भगवान का भजन करके महापुरुष, उनकी बराबरी, उनके आचरणों की बराबरी हम नहीं कर सकते। उनके उपदेश से जो उनके आचरण मिलते हैं, केवल वही स्वीकार करना है। क्योंकि जिस स्थिति में, हमारी स्थिति नहीं कि हम समझ पाए। बड़े महापुरुषों में बड़े विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं, बस उनके चरणों का चिंतन हो और वो जो आज्ञा करें और जो आज्ञा से मिलता हुआ उनका आचरण हो वो तो स्वीकार करें, अन्यथा प्रणाम, आगे बढ़ो। जो मलिन बुद्धि के हैं, विषयी हैं, कामी हैं, वो भगवान पर आरोप करते हैं, भगवान ने भी तो ऐसा किया, ऐसा वो कहने लगते हैं। जब किसी को नेत्र दोष हो जाता है, वो मोतियाबिंद, तो उसे दो चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं। यदि कमल हो जाए तो पीला चंद्रमा दिखाई देने लगता है। पक्षीराज ऐसे ही, जब माया दोष से, पाप से युक्त हृदय हो जाता है तो भगवान में भी उसे काम दिखाई देता है, क्रोध दिखाई देता है, पक्षपात दिखाई देता है। जब नेत्र दोष हो जाता है तो जैसे दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, ऐसे ही भगवान में भी वो द्वैत देखता है। जब जिसे दिशा भ्रम हो जाता है तो कहता है सूर्य पश्चिम से उदय हुआ है। नौकर पर चढ़ा हुआ देखता है जब इसे नजदीक से, तो ऐसा लगता है कि आसपास की भूमि भी चल रही, ऐसा जैसे रेलगाड़ी में बैठे हो ऐसे खिड़की से देखे, एकदम तन्मय हो, ऐसा लगता वृक्ष दौड़ रहे, दौड़ रेलगाड़ी रही, ऐसा लगता पास के वृक्ष दौड़ रहे, भूमि दौड़ रही। मोहवश वो अपने को अचल समझता है और अचल को चल देखने लगता है। जैसे चक्राकार बार बार घूमे तो फिर घर और पृथ्वी सब घूमती नजर आने लगती है। वो अपने को सत्य मानता है, दूसरे को झूठा साबित करता है। हे गरुण जी, प्रभु के विषय में मोह की कल्पना भी नहीं है और आप में तो मोह हो ही नहीं सकता है। ये तो हमें कृतार्थ करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की। जो माया के वशीभूत हैं, मंद बुद्धि हैं, भाग्यहीन हैं, विषयों को ही सुख समझते हैं, उनके हृदय में अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, पर है उनके हृदय में भी पर्दे के पीछे भगवान, अज्ञान का पर्दा। वो मूर्ख अज्ञानी हट करके भगवान की लीलाओं पर संदेह करके संशय कर बैठता है और अपना अज्ञान प्रभु पर आरोपित करता है। ते सठ हठ बस संशय करही, निज ज्ञान राम पर धरही। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप, ते किम जानही रघुपति, मूढ़ परे तम कूप। गरुण जी महाराज, ये जो काम में आसक्त हैं, क्षण क्षण में क्रोध आता रहता है, अहंकार में डूबे रहते हैं और घर में गृहस्थी के भोगों में ही परम सुख मान रहे, वे भला भगवान श्री हरि को कैसे जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं प्रभु को? वे मूर्ख तो अज्ञान अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं।
निर्गुण रूप सुलभवती सगुण जान नहीं कोई, सगुण अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूं जथामति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोही, सो सब कथा सुनावउ तोही। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हें दुरावं, परम रहस्य मनोहर गावं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखहिं काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। ताते करहिं कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशु तनु ब्रनु होई गोसाई, मातु चिराओ कठिन की नाई। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधिनाश हित जननी गनति न सो शिशुपीर। कागभुषुण्ड जी महाराज कह रहे, निर्गुण निराकार की उपासना सरल है, लेकिन सगुण साकार भगवान पर प्रतिपल श्रद्धा बढ़ती जाए ये बहुत कठिन बात है, क्योंकि भगवान के बड़े अगम चरित्र हैं। ऐसे सुगम और अगम चरित्र हैं जिनको देखकर सुनकर भ्रम हो जाता है कि कहीं भगवान ऐसा बड़े विचित्र लीला बिहारी, वो कृपा करे तो समझ में आ जाए। पक्षीराज गरुण जी, भगवान की प्रभुता जैसी मेरी बुद्धि में आई है, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे भी मोह हुआ था, जैसे आपको हुआ प्रभु को नागपाश में देखकर, ऐसे एक बार मुझे भी मोह हुआ था। मैं आपको वो बात बता रहा हूं अपनी। भगवान के आप कृपा पात्र हैं, भगवान के निरंतर गुण गाते रहते हैं और प्रीति भी है, और आप मुझे सुख देने के लिए पधारे हैं, इसलिए मैं अपने अनुभव की बात, गुप्त बात, छिपाऊंगा नहीं, आपको बता रहा हूं। हमारे भगवान का पहले स्वभाव समझ लीजिए गरुण जी। हमारे प्रभु का स्वभाव कि भक्त में वो अभिमान पसंद नहीं करते, शरणागत हो थोड़ा भी अभिमान उनको बहुत बिल्कुल पसंद नहीं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखेगा। अभिमान भगवान को पसंद नहीं, क्योंकि जन्म मरण और महान दुखों का मूल है ये अभिमान। ये महान क्लेशों को, शोकों को, बंधनों को, विकारों को पैदा करने वाला मूल दोष है अभिमान। प्रभु जिसे अपना मान लेते हैं उसे अभिमान रहित करने के लिए कुछ भी करना पड़े। एक भक्त हित धाम में आए थे, बड़ा तेजस्वी चेहरा था, 65-70 की अवस्था थी, छोटी कुटिया में थे, आए श्री हरिवंश। तो ये नाम ऐसा है कि तुरंत दृष्टि जाएगी, आप पीछे भगवान नाम और उच्चारण करें बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन आप जहां बोले श्री हरिवंश फिर हमारी दृष्टि जरूर श्री हरिवंश। एकदम श्री हरिवंश बोलने का मतलब हम बाहर निकल के आ गए,
देखा नाम, जब उनकी दृष्टि देखी नाम में एक आग पधारी आई, पैंट शर्ट, पैंट शर्ट, आसन पे बैठा लाऊ, ऐसे सुंदर परमाणु थे उनके शरीर में, वो पता चलता है। परसों कोई सामने बैठे हुए थे, इतना परमाणु नाम जप का कि उनकी विनय स्तुति की कि जब आप सामने बैठते हैं तो मुंह पर तो नहीं कहना चाहिए पर आप बहुत नाम जप कर रहे हैं क्योंकि बड़ा सुख मिलता है। तत्काल मंत्र और नाम में तन्मयता बढ़ जाती है जो चल रहा होता है आपके सानिध्य, परमाणु होते शरीर में नाम जापक। वो पैंट मतलब एक ही रंग का पैंट शर्ट, शायद उससे सपारी सूट या जो भी कहते हो, बिल्कुल बढ़िया जैसे बड़े लोग पहनते हैं, ऐसे एकदम बिल्कुल बाबूजी जैसे, भेष ऐसा और स्थिति ऐसी, निरंतर नाम में रहती। वो उनको परिचय देना नहीं पड़ा, बैठा ला आसन पे बैठा ला, क्योंकि एकदम अनुभव होता है बैठे। तो उनका पहली बात यह है कि आपको निरंतर नाम जप करने की जो स्थिति आई, इसका मतलब आप बहुत काल से अभ्यास कर रहे हैं। तो हंस पड़े, उन्होंने कहा अभ्यास नहीं कृपा, कृपा। बोले आपके सदगुरुदेव भगवान 20 वर्ष से हमारा सत्संग है, उनके दर्शन करते हैं, जब आपको सुना तो आपके पास हम कभी कभी आते हैं, शायद वो पधार गए हैं। हमारा नाम प्रेम है, उनका हमारा नाम प्रेम है। अगर आप समय हो तो हम आपको एक अपनी घटना बताएं निरंतर नाम जपने की। वृंदावन आता था, जहां सुनता था कि संत भजन करते जाता था, बोले आपके गुरुदेव भगवान के पास भी जाते थे, श्रद्धा थी। और कोई बड़े ऑफिसर थे, बोले इनको बताया होगा हमें यार स्मृति नहीं, मतलब उनके दस्तखत से सरकारी बड़ा काम होता था। कोई रुचि नहीं थी ना नाम में ना धाम में, पर ऐसा था कि ईश्वर था, ये लगता था कि दान पुण्य करें और संतों का संग करें, करना चाहिए जिससे मंगल होता है, कोई उपासना नहीं थी ऐसा बताया। एक हमारे पास ऑफर आया करोड़ों का कि आपको केवल अपने दस्तखत कर देने हैं, कहीं फंसोगे नहीं और आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे। बोले मुझे लगा कि बहुत दिन हो गए नौकरी करते, एक बार ऐसा कर लेते हैं, फिर वो अर्थ लेके वृंदावन चले जाएंगे, बास करेंगे, अब रिटायर का भी समय आ रहा है। तो हमने उनको रात्रि का समय दिया कि हम गाड़ी से आएंगे और आप भी आइए ऑफिस में, हम क्योंकि दिन में और भी लोग रहते हैं ऑफिस में काम कर दें। और बोले वो षड्यंत्र था, मुझे पता नहीं था, वहां पहले से ही कैमरा फिट कर दिया गया। जब वो आए, धनराशि दी, हमने दस्तखत किया, पूरा का पूरा टेप हुआ और पूरा का पूरा दृश्य। अब जब हम सुबह आए तो वहां बड़े बड़े ऑफिसर सब हमारे एकदम होश उड़ गए कि ये, उन्होंने ऑफिस में तुरंत हमें हथकड़ी लगाई और कहा आपने, अब हम कुछ बोल ही नहीं सकते थे क्योंकि प्रमाण युक्त, अब इतने बड़े ऑफिसर पद में और इतना सम्माननीय परिवार हमारा, धनेश्वर तो उससे थोड़ा सा उस राहत मिली कुछ दिनों के लिए मुकदमा आदि के लिए। एक दिन हमने निश्चय किया कि हम किसी अपने बच्चे या पत्नी के सामने बैठ नहीं सकते थे, बस आंखें झुका करके, बस अब हमें लगा कि मर जाना चाहिए, निश्चय कर लिया ठीक है आज मर जाएंगे, आज हम रात्रि में अपने प्राण त्याग देंगे, किसी को नहीं बताया। जब ही रात्रि तो सोचा कि कम से कम 12-1 के बाद, नहीं तो अगर कोई ऐसी चेष्टा आदि हुई तो कहीं विघ्न न पड़ जाए मरने में, तो मैं सो गया। जब सो गया तो उन्होंने बताया कि सेवक जी आए, क्योंकि महापुरुषों का, और सेवक जी ने कहा कि देखो ये सेवक वाणी, इसे पढ़ो और हरिवंश 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 ऐसा तुम रटो, तुम अमर हो जाओगे और तुम्हारा विश्व में सम्मान होगा, कॉलोनी की क्या बात है। बोले बस उठे तो मुझे वो स्वप्न नहीं साक्षात लगा, और बोले मुझे जपना नहीं पड़ा, मेरे हृदय से निकलने लगा हरिवंश हरिवंश हरिवंश। बोले बस ये जो निरंतर नाम और ये जो आनंद की आप देख रहे हैं, ये केवल कृपा से हुआ। देखा
देखा कैसे दवा का प्रयोग किया गया। साधु समागम केवल दान पुण्य की भावना से कर, संतों के पास जाना चाहिए, कुछ सेवा कर देनी चाहिए, ऐसा ऐश्वर्य है। बहुत खतरनाक मेजर ऑपरेशन था ये, सम्माननीय व्यक्ति का अपमान मृत्यु से भी बढ़कर दुखद होता है, लेकिन निहाल कर दिया, रोग रहित कर दिया। कागुशुंड जी कहते हैं मेरे प्रभु का स्वभाव है, वो अपने जनों पर दृष्टि रखते हैं, अगर जरा सी अभिमान हुआ तो फिर ये नहीं देखते कि समाज क्या कह रही है, और बड़ा रोना धोना। देखो ना नारद जी मरकट बदन भयंकर देही, और राजकुमारी ही नहीं देख रही उनकी तरफ, बार बार उठ के बैठते हैं, तो राजा लोग भी अब ज्यादा तो हंस नहीं सकते, महर्षि हैं, चुप हंस सकते कि कैसा। और भगवान शिव के पार्षद गण भी, महाराज अब माला तो पहनाया नहीं, तो फिर उठ के जाते बीच राजाओं, बड़ा उपहास, अभिमान का चकना चूर कर देना। इसीलिए कहते हैं कि होश में चला जाए, नहीं तो फिर ऑपरेशन शुरू होगा। तो फिर अच्छा ये ऑपरेशन होश में होता है, बेहोश करके नहीं होता, ध्यान रखना। अहंकार का ऑपरेशन होश का इंजेक्शन लगा के होता है, कि अगर दर्द में बेहोश हो जाओ ऐसा भी नहीं होने दिया जाएगा, पहले इंजेक्शन लगाया जाएगा अहंकार का। ये ताते करहि कृपा निधि दूरी, बोले सेवक पर ममता अति भूरी, सेवक पर विशाल प्रेम होता है भगवान का, इसलिए अहंकार बर्दाश्त नहीं। आप जब भी प्रतिकूलता देखेंगे, चिड़चिड़ाहट देखेंगे गुरुजनों में संतजनों में, तो इसी बात, अगर आप कहीं हार रहे हैं अन्य विकारों पे, तो भले आपको बचाने के लिए शासन करें, पर वो हृदय से आप देखोगे तुम्हें गोद में लिए हुए, लेकिन अहम जहां देखा तो फिर आप देखोगे वहां बिल्कुल विपरीत स्थिति पाई जाएगी। आपको लगेगा ऐसा तो कोई अपराध है नहीं जैसा ये नाराज हो रहे हैं, अपराध का बाप है वो, उसी से सब पैदा होते हैं। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, क्योंकि सेवक पर ममता अति भूरी, बहुत सेवक से प्यार करते हैं भगवान। बोले जिम शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मात चिराव कठिन किनाई। जैसे बच्चे के शरीर में विषैला फोड़ा हो जाए, तो माता अपने हृदय को कठोर करके पैसा देकर डॉक्टर, और वो डॉक्टर कहे कि अगर हाथ पकड़ो पैर पकड़ो तो वही पकड़ेगी, कठोर हृदय करके चीरो, तुम इसे चीरो। बच्चे को लगेगा कि मेरी माँ इतना कठोर कैसे हो सकती है, लेकिन वो बच्चे को बहुत प्यार करती है, केवल उसका वो विषैला जहरीला फोड़ा हटाना चाहती है, कि अगर ये फूट गया पूरे शरीर को नष्ट कर देगा, इसलिए ऑपरेशन जरूरी है। यद्यपि बच्चा फोड़ा चीराते समय बड़ा दुख पाता है, अधीर होता है, सोचता है माता ऐसे कैसे, ऐसे भक्त सोचता है भगवान ऐसा कैसे कर सकते, बड़ा महामहिम स्वरूप हमारे ठाकुर जी का है, बड़ा ठाकुर, रात दिन भजन में लगे हैं, भोजन की भी चिंता नहीं, तो थाल लेके अपनी भोजन की जाते हैं, प्रसाद पाया और बड़ी कृपा ठाकुर जी की है, कितना छप्पन। इसके बाद पिटाई भेजते हैं, पिट गए, अब तुम सोचोगे तो वहां प्रश्न नहीं होता, भक्त के हृदय में प्रश्न नहीं होता, जिसने छप्पन भोग भोगा चक पाया पिटाई भी हो गई। भरत जी को पकड़ के जड़ भरत जी को ले गए, नवाला दुहाई इत्र चंदन और सब बढ़िया, खीर पुआ खूब खाया आराम से, तलवार टेक कर पूजन करके ऐसे तो बैठे ऐसे, भाई खीर पाया तो तलवार भी पा, जैसी हरि की इच्छा। वो तो भगवान का तेज काली जी के भी हृदय में दाह पैदा हो गया और अपने अनुचरों को मार दिया। अगर किंचिन मात्र कहीं भी हमारा अहम है तो मेरे प्रभु को नहीं स्वीकार है। इसीलिए गुरुजन संत महात्मा जन प्रियजन देखते ही असहनीय हो जाते हैं, अरे ये तो मार डालेगा, ये अहंकार तो नष्ट कर देगा, क्योंकि धाम की जिस कृपा का, नाम की जिस कृपा का, उसमें अहम नहीं होना चाहिए। त्रणादपि सुनिचे नाम के लिए और धाम के लिए वृंदावन इह विधि वसे तज के सब अभिमान। तो माता बच्चे की पीड़ा की कोई परवाह ना करके उस फोड़े का ऑपरेशन करा देती है। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही
कृष्ण भजहु भ्रम त्यागी। ऐसे ही भगवान श्री हरि अपने दास का अभिमान उसके मंगल के लिए नष्ट कर देते हैं, मान का नाश कर देते हैं। अगर हृदय से देखो तो ऐसा दुलार करने वाला कौन है, गुरुदेव जैसा, प्रभु जैसा। पर उनका विधान बड़ा कड़ुआ लगता है, क्योंकि वो अभिमान नहीं देखना चाहते, अभिमान को, इस रोग को नष्ट करना चाहते। अभी तो जिंदगी जाना ही नहीं, जब अभिमान रहित हो गए तब आपको असलियत में पता चलेगा आनंद किसे कहते हैं। तो बोले जो कृपा पात्र जन है वो कभी भ्रम नहीं करते प्रभु के विधान पर, भ्रम का त्याग करके अनन्य भाव से प्रभु श्री हरि का भजन करते हैं। जीवन का सब सुधार वो कर लेंगे, चिंता मत करो। बहुत बड़े सदवैद्य है, बस शरण में रहो, नाम जप करते रहो, जो भी यहां है गंदगी, काम क्रोध लोभ अभिमान, वो सब ठीक कर लेंगे, इसकी भी तुम परवाह मत करो। बस नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, जो सुनो उसका मनन करो, जो मनन में पकड़ में आवे उसको आचरण में उतारो।